चैप्टर टू में डिवीजन में पेज नंबर 182 तक हमने खत्म किया था। अब हम 183 पर हम देखेंगे। आप सबके पास जो मैथ्स की टेक्स्ट बुक है आप सबको वो निकालेंगे। ओके, डिवाइजर कहते हैं। जो फोर है उसे डिवाइजर कह सकते हैं। ये सिक्स जो हमारा आंसर है उसे कह सकते हैं डिविडर। फिर 24 जो हमारे था 24 उसे पर्टिनर कह सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है ये थर्ड स्टेप देखेंगे। स्टेप थ्री, राइट 24 बिलो डिविडर एंड सबस्ट्रैक्ट दस 24 डिवीजन 4 इज इक्वल टू 6। सिंपल आंसर आ गया 24 डिवीजन 4 इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने स्टेप 3 में देखा, तो ये इजी है। अब हम 45 का देखेंगे। ऐसे ही हम 45 का करने वाले हैं। 3 आप हमें दिया गया है, तो चलो पहले हम 4 का देखने वाले। 3 बन जा 3। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 बाहर करें तो क्या आंसर आएगा हमारा 1। फिर 5 में नीचे लेके यहाँ पर 5, 3 के टेबल में 15 आता है तो यस आता है 3 5 जा 15। अभी हमें सब्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद 5 में से 5 बाहर करें क्या आंसर आएगा 0, 1 में से 1 0, तो हमारा आंसर क्या है 15। ये हमारा आंसर आ गया। इसे 3 को क्या कहते हैं डिवाइजर, 3 को डिवाइजर कह सकते हैं।
से एक मल्टी टर्म क्या करें। जैसे आप जैसे हमने पहले 24 का देखा उसी तरह ये 45 का है। क्या आएगा जीरो, फिर सिक्स नीचे रहेंगे, टू के डबल में सिक्स आता है।
एंड क्या कहा गया, हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन यू बाय फॉर 128, कितनी चॉकलेट्स खरीदी होगी, एक एक चॉकलेट है उसकी कीमत रुपीज 8, फिर उसके पास कितने रुपीज थे 128, तो उसमें कितनी चॉकलेट आई होगी वो हमें देखना है, तो इसलिए क्या करना है 128 डिवीजन शेप में करना है, तो इसका हमें डिवीजन करना है, तो चलो हम करते हैं 128 20 रुपीज पे किए 20 रुपीज पे किए फॉर 2 पेन, तो 1 पेन के उसने कितने पे किए होंगे, तो वो मैं देखते हैं
जीरो यहाँ पर जीरो दशमलव निकल सकते हैं, इसलिए ऊपर लिखा है। तो क्या होगा, वन वन पेज का इसने उसने कितने पेज दिए होंगे, टेन। तो हमारा आंसर आ गया टेन। तो यहाँ पर